तारा को? डॉक्टर साहब का कहना है कि तारा डिप्रेशन की शिकार है। तुम टेंशन मत लो बेटा, मैं नाहर से बात करूंगा। जीतू रो बेटा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मऊ में जिस मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मेरी मीटिंग हुई थी, आज उनके साथ फाइनल डील करने जा रहा हूं। अगर आज ये डील हो गई तो सिंह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज राजस्थान के टॉप 3 बिजनेस एम्पायर्स में से एक होगा। बड़े बिजनेस तो बढ़ जाएगा, खानदान का नाम भी रोशन हो जाएगा, लेकिन हमारे बाद इस खानदान को आगे कौन ले जाएगा? काका साहब, पुराने घाव को रेंदने से कोई फायदा नहीं। शायद इस घर की तकदीर में घर का चिराग लिखा ही नहीं। नाहर बेटे, हम राजपूत हैं। बात जंग की हो या जिंदगी की, हम कभी हार नहीं मानते। राजस्थान के कोने कोने में हमारे खानदान का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है, बात बात पे लोग हमारा उदाहरण देते हैं। तो बेटे, क्या ये खानदान, ये हमारी परंपरा, ये खत्म हो जाए? नहीं नार, वो जिंदा रह सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हारे त्याग और समझदारी की जरूरत है। इसे मेरा सुझाव समझो या आदेश, लेकिन हम सबकी यह इच्छा है कि तुम दूसरी शादी कर लो। बस काका साहब, बस। इसके आगे कुछ मत कहिएगा। आप ये सब इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि आपको मेरे दुखों का अंदाजा नहीं। अरे, शरीर पर लगे घाव का दर्द मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन जो घाव, जो चोट बार बार मेरे दिल पर लगी है, उसका दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन इंसान वही है जो अपना दुख दर्द भूलकर दूसरों के लिए जिए, और तुम्हें हमारे लिए, हमारे खानदान के लिए, ब्रिजेश और तारा के लिए दूसरी शादी करनी होगी। नहीं करना सर, ये नहीं हो सकता। किस्मत ने ऐसी ठोकर मारी है कि उन रास्तों पर मैं दोबारा नहीं चलना चाहता जहां कांटों के अलावा और कुछ है ही नहीं। मान जाओ नाहर, काका सा की बात मान जाओ। अरे भाई, तुम्हारे हाँ कह देने से इस घर के खुशियां लौट आएंगे नाहर, मान जाओ। भाई साहब, भी आप तो सब कुछ जानते हैं ना। नहीं भाई साहब, मुझसे नहीं हो पाएगा। अपनी भावों की बात भी नहीं मानेगा नाहर? बहुत तपस्या से मैंने इस घर को चलाया है, उस तपस्या को व्यर्थ न जाने दे बेटे। बाबू, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं मजबूर हूँ, मुझसे नहीं होगा बाबू, मैं नहीं कर सकता ये सब। नाहर, तुमने हमेशा मुझे माँ का दर्जा दिया है ना। आज मैं अपनी झोली तुम्हारे सामने डाल रही हूँ, इस वंश के चिराग को मेरी झोली में डाल दो नाहर, प्लीज। प्लीज, तुम मना करोगे नाहर तो ये माँ टूट जाएगी, बिखर जाएगी। साहब, आप जानती हैं कि मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अगर आपकी खुशियों की कीमत मेरी शादी है तो ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूं। नाहर,
तुम नहीं जानते ये बात कहकर तुमने आज मुझे कितना खुश कर दिया है। सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक चल रहा नाहर, चीची की खैर नहीं। काका साहब सुना आपने, नाहर शादी के लिए तैयार हो गया है। और हम क्या चाहते हैं, अब इस खानदान को उसका वारिस मिल जाएगा। हमारे बात, हमारे प्रॉपर्टी, हमारे बिजनेस को उसका रखवाला मिल गया है। काका साहब मैं अपने हिस्से के सारे शेयर्स नाहर के होने वाले बच्चे के नाम करूंगा। क्या बात है भाई, मुझे नाज है अपने परिवार पर जिसका हर एक सदस्य दूसरे के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है। भाई तुम दोनों ने अपना फर्ज पूरा कर लिया तो हम क्यों पीछे रहे हैं? हम भी इस जायदाद का अपना सारा हिस्सा नाहर के होने वाले बच्चे के नाम करते हैं। क्या बात है वीर, आज आपके चेहरे पर कुछ अलग ही रौनक है। और ये पगड़ी इसका क्या कर रहे हैं? रोशी, इस पगड़ी को कोई मामूली पगड़ी मत समझना, ये हमारे खानदान की शान है। शान न जाने कितनी पीढ़ियों से ये पगड़ी इस खानदान के वारिसों के सर पर सजती रही, और आज ये अपने आने वाले उत्तराधिकारी का इंतजार कर रही। एक बार ब्रजेश को भी इस पगड़ी को पहनने का मौका मिला था, लेकिन जब उसे पता चला कि वो पिता बनना उसकी किस्मत में नहीं लिखा, तो उसने ये पगड़ी उतार दी और अब ये हमारे पास है। लेकिन नाहर की शादी के बाद इस ताज की फिर से पूजा होगी, क्योंकि हमें अपने खानदान का वारिस मिल जाएगा। वीर, I don't understand, आज के जमाने में भी आप ये खानदानी पगड़ी और उत्तराधिकारी जैसे शब्द यूज कर रहे हैं। I mean, ये सब चीजें आप जैसे ब्रॉड माइंडेड इंसान के लिए भी इम्पोर्टेंस रखती हैं। अगर किसी के नसीब में औलाद है तो फाइन, अगर नहीं भी है तो व्हाट्स द बिग डील? देखो उर्वशी, हमारे बुजुर्ग, हमारे बूढ़े हमेशा कहते आए हैं कि हमारे नाम पर कोई दिया जलाने वाला तो होना चाहिए ना, कोई हमारे संस्कारों को जिंदा रखने वाला तो होना चाहिए ना। अब देखो, हमारी औलाद तो हमारी भावनाओं को समझ नहीं पाई, वो इस लायक ही नहीं, लेकिन नाहर की औलाद पर हमें पूरी उम्मीद है। भाई हम भी तो एक दादा कहलाना चाहते हैं, ग्रैंडफादर। हम यही कोशिश करेंगे कि हमारे नवासे में वो सारे गुण, वो सारे संस्कार हों जो हमारे खानदान के वारिस में होने चाहिए। लोग बिल्कुल ठीक ही कहते हैं, बुढ़ापे में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। अब इन्हें समझाने का तो कोई मतलब है नहीं, ये तो अपनी दुनिया में मगन है। अब इससे पहले कि ढोल नगाड़े बजने शुरू हो जाएं, हमें कुछ करना होगा। किन ख्यालों में खोए हुए आप? भाई इस वक्त तो आसमान में तारे भी नहीं दिखते।
कहीं ऐसा तो नहीं कि अचानक शादी के लिए हाँ कहकर आपको सलोनी जी की याद सताने लग गई? बिल्कुल नहीं। पुरानी बातों को याद करके मैं अपने दिल के दर्द को और बढ़ाना नहीं चाहता। अब जब एक नई शुरुआत के लिए हामी भरी दी है तो फिर पीछे मुड़के क्यों देखूं मैं? तब फिर यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं आप? अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहा था। वो कल जो मेरे बीते दिनों के दुख को दूर कर देगा, सारी कालिख धो देगा। नहार, बीते हुए दिनों की परछाई से बाहर आना अच्छी बात है, लेकिन उसे पूरी तरह भुला देना ये गलत है। जहाँ तक हम सलोनी जी को जानते हैं, उन्होंने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, काफी अच्छाइयां हैं उनमें। अब उनकी एकाध गलतियों की वजह से उनकी सारी अच्छाइयों को आप लोग भूल गए। आप, I'm really very disappointed. आप भी बाकी मर्दों जैसे निकले, typical husband. Tell me frankly, Nahar, क्या आप सलोनी के साथ अपने रिश्ते को दफना कर यूं ही किसी और के साथ शादी कर पाएंगे, वो भी सिर्फ एक बच्चे के लिए? ऐसा लगता है जैसे आप नहीं चाहती कि मैं दोबारा शादी करूं। नहीं, मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगा कि आप ऐसा क्यों चाहती हैं। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन एक शर्त पर, आप भाई सा और भाभी सा को उनका बेटा लौटा दीजिए। मुझे शादी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, क्या करें हम? कैसे रोके सनोनी को? फिर तो डिसाइड कर चुके हैं, और फिर के भतीजों के लिए तो उनकी बात पत्थर की लकीर है। नहार को अपनी सुनी दुनिया में उजाला करने की इजाजत कैसे दे सकते हैं हम? हमारी जिंदगी में अंधेरा जो हो जाएगा। खरोच आ गया। चलो जल्दी, मैं अंदर पट्टी लगा देता हूँ। चलो चलो। पेरेंट्स से बढ़कर कोई और प्यार कर ही नहीं सकता। चोट बच्चे को लगती है और दर्द माँ बाप को होता है। वाव, गुड आइडिया। आपने मुझे कैसे याद किया? इस मेहरबानी की कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। वजह? भाई वजह तो आप ही हैं कावेरी। क्या है कि आपको तो हमेशा मसालेदार और सेंसेशनल न्यूज़ सुनने की आदत है। इधर इन दोनों तो काफी सन्नाटा छाया हुआ है। आपकी जिंदगी तो बोरिंग हो गई होगी, नहीं? आपको मेरी इतनी फिक्र है? मुझे नहीं पता था। फ्रेंकली स्पीकिंग कावेरी, डोंट माइंड, लेकिन क्या है ना कि जब तक आप कोई तमाशा या कोई नाटक नहीं करती हैं, हम सब की लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। मजा नहीं आता एक्चुअली। एनीवे, लेट मी कम टू द पॉइंट। आपका और हमारा समय जाया ना करते हुए आपको एक खबर देनी थी। न्यूज कुछ ऐसी है कि आपके फेवरेट नहार कंवर साहब दोबारा शादी कर रहे हैं। Yes, that's true. अब कावेरी, ये न्यूज तो आपको काफी दिनों तक बिजी रख सकती है, नहीं? अब इसे आप जितना उछालना चाहें उछाल सकती हैं।
Enjoy and good luck. अरे कब तक ये पुरानी तस्वीरें पलट पलट कर अपना दिल हल्का करते रहोगे? अब तो जैसे सारी खुशियां इन तस्वीरों में रह गई है अंबिका। सबको एक साथ देखकर बड़ा अच्छा लगता है। हमारे पास अब कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है इसके अलावा। क्या कर सकते हैं? कावेरी, क्या हुआ? क्या बात है कावेरी, तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं मम्मी जी। लेकिन हुआ क्या बेटा? वो लोग भी क्या कर सकते थे, कब तक सहते? लेकिन अपने घर की बेटी ब्याही थी हमने, दुख तो हो गई ना कावेरी। बात क्या है, साफ साफ बताओ ना मम्मी जी। नाहर पन्ना दूसरी, मेरा मतलब है तीसरी शादी कर रहे हैं। मुझे तो बहुत बुरा लगा ये सुनकर। आप लोगों के लिए कितने सपने सजाकर माँ बाप अपनी बेटी की शादी करते हैं, उसे विदा करते हैं। क्या क्या नहीं कि आप लोगों ने सलोनी दी के लिए, और सलोनी दी के ससुराल वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सलोनी दी को किसी की कोई चिंता नहीं। अगर सलोनी दी ने ये रिश्ते ठीक से निभाए होते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। काश सलोनी दी को ये समझ में आता कि उनकी हरकतों से उनके अपनों को कितना दुख पहुंचेगा। अरे हाँ, आपकी जैसी अगर मेरी पर्सनालिटी होती ना तो मैं तो पक्का हीरो बन जाता। अरे तुम आ गई हो भाई, खम्बा गणी। अरे आइए गणपति आइए। इस वक्त इतनी रात के अचानक कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हमने सुना है कि नाहर कंवर सा फिर से शादी कर रहे हैं। जी वो दरअसल बात यह है कि हम सब ने आपस में सलाह मशवरा किया और हमने ब्रजेश जी, अगर आपको एतराज ना हो तो हम नाहर बेटे से मिलना चाहेंगे। जी जरूर, मैं उन्हें अभी बुला लेता हूं। नाहर, नाहर। अरे आप सब, खम्बा गणी, बेटे हम सब आपको बधाई देने आए हैं। हमें पता चला कि आपने शादी करने का फैसला किया है, हमें बड़ी खुशी हुई बेटा। मन पे एक बहुत बड़ा बोझ था जो कम हो गया। हमें कोई शिकायत नहीं है बेटा, बस भगवान आपको सुखी रखे यही प्रार्थना है। एक बार फिर से अपनी बेटी की भूल के लिए आप लोगों से माफी मांगना चाहती हूं। मेरी बेटी ने जो भी गलतियां की हैं, भगवान से प्रार्थना करती हूं कि नई बहू जो इस घर में आए उन दुखों से आप लोगों को दूर करने में आप लोगों की मदद करे। ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं नरपत जी आपकी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। वैसे जिंदगी के इस मोड़ पर नाहर को
अब सबका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। वैसे हमने नहा के होने वाले बच्चे को अपनी पूरी जायदाद का वारिस बनाने का फैसला किया है। भगवान करे वो शुभ घड़ी जल्दी आए।